हेलो, नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिक करंट अफेयर रिवीजन में ये हमारा पांचवा लेक्चर है। तो यहाँ पे हम पॉलिटिकल का जो करंट अफेयर है प्रीलिम्स 2018 के लिए, उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 224 324 के बारे में, जो फाइव पाँचवा जो भाग है उसके बारे में। इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स हैं। आर्टिकल 324 क्या कहता है वो हम देखते हैं। आर्टिकल 324 में चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का जो तरीका है उसके बारे में बताया गया कि भाई उसको कैसे हटाना है, प्रोसीजर वगैरह बताई गई है। बट सबसे बड़ा मुद्दा क्या था उस टाइम पे, ये मैं सॉरी, ये जनवरी का एक्चुअली करंट अफेयर है। तो इसमें मुद्दा सबसे बड़ा उस टाइम पे ये आया था कि देखो, हमारे देश में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनको हटाने के लिए तो आर्टिकल 324 में प्रावधान किया गया है, 324 का जो पाँच भाग है उसमें। पर जो अन्य जो अतिरिक्त जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, दो अन्य होते हैं, उनके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। भाई उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, बस केवल उसमें यही लिखा गया है हमारे संविधान में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सुझाव के बाद ही उनको हटाया जा सकता है। मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन उनको अपने आप नहीं हटा सकते और ना ही गवर्नमेंट उनको अपने आप वगैरह हटा सकती है। अब देखो, यहाँ पे इश्यू आ जाता है कि एक इशू तो सबसे बड़ा उस टाइम पे आया था कि जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन कह दें कि भाई इनको हटा दो, तो क्या हटा दिया जाएगा? या फिर गवर्नमेंट जब चीफ इलेक्शन कमीशन से पूछेगी कि भाई इनको हटाना चाहते हैं हम, तो आपका क्या सुझाव है, तो उस कंडीशन में चीफ इलेक्शन कमीशन सुझाव देंगे कि हाँ भाई इसको हटा देना चाहिए, तभी गवर्नमेंट रहेगी। तो काफ़ी इसमें काफ़ी असंदिग्धताएं हैं। इसीलिए यह आर्टिकल उस टाइम पे न्यूज़ में था। तो यहाँ पे उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट से प्रावधान रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई जो हमारे संविधान में इस चीज़ को लेकर काफ़ी असंदिग्धताएं हैं, तो इस चीज़ को क्लियर किया जाए कि जो अतिरिक्त जो अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, उसके ऊपर एक तरीके से स्पष्टीकरण है कि पारदर्शिता वो लेके आनी है। तो उस बात को लेके ही यह आर्टिकल वो आया था। तो हमें ध्यान रखना कि आर्टिकल 324 क्या है, ये हमें यूपीएससी पूछ सकती है, जो न्यूज में था। अब चलते हैं हम आगे। अगला जो आर्टिकल था वो था पंचतीर्थ के बारे में। तो ये यूपीएससी इस तरीके से पूछ सकते हैं कि पंचतीर्थ वो किस रिलेटेड वगैरह है। तो देखो, जो हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनसे रिलेटेड जो उनके पांच पैलेसेस थे उनको डेवलप किया जा रहा है। कौन कौन पांच पैलेसेस, तो ये भी यूपीएससी पूछ सकती है। एक तो है चैत्यभूमि, जो कि है महाराष्ट्र में। इसके बाद में मोहो है, वो है एमपी में। इसके बाद में लंदन में उन्होंने एजुकेशन की थी, तो उस वाले क्षेत्र में। इसके साथ ही निर्वाण, जो कि उन्होंने दिल्ली में प्राप्त किया था, तो दिल्ली में उनके स्थल को डेवलप करना है। इसके साथ ही जो दीक्षा भूमि थी, जो कि नागपुर में थी, तो वहाँ को, जो ये पाँच शहर हैं इनको एक्चुअली डेवलप करने की बात है। मतलब इनके जो एरियाज थे जहाँ पे रहते थे या जहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, इन वाले एरिया को एक्चुअली डेवलप वो किया जाएगा, वो किसके नाम से, वो पंचतीर्थ थे। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं भाई किस रिलेटेड है। तो हमें ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से चीज़ें रिलेटेड हैं, पंचतीर्थ वगैरह से। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में। तो देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या है। देखो, बात ऐसी कि हमारे देश में गवर्नमेंट है ना, वो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट है ना उनको थोड़ा प्रमोट करना चाहती है और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहती है। अब हमारे देश के जो हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग आई थी ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो उसमें हमारे देश के इंस्टीट्यूट ने कोई अच्छी रैंकिंग वो प्राप्त नहीं की थी। मतलब जितनी उम्मीद थी उससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का एक मेथड है वो मतलब एक तरीका है वो हार किया है, उसका विकसित डेवलप है वो किया है। इसमें होगा क्या कि हमारे देश के जो टॉप 20 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, ध्यान रखना है यहाँ पे, यूपीएससी दे सकते कि ओनली गवर्नमेंट ओनली प्राइवेट, तो दोनों तरह के इंस्टीट्यूट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, उनको एक्चुअली डेवलप किया जाएगा। उनको क्या क्या दिया जाएगा, उनको एक्चुअली थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाएगी ताकि वो अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बना सकें। क्योंकि देखो, अभी आपको पता है कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको यूजीसी है वो रेगुलेट करती है। तो अगर उनको थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाएगी तो अपने अकॉर्डिंग या अपने अच्छे सब एरिया को ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। इसके साथ ही उनको फीस है वो खुद अपने आप डिसाइड कर सकती हैं। थोड़ा सिलेबस वगैरह भी उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। इसके साथ जो फॉरेन स्टाफ वगैरह है उसकी जो लिमिट है वो भी उनके लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी। भाई वो कितना भी फॉरेन स्टाफ वगैरह रख सकते हैं। तो ये कुछ मतलब उनको बात है कि फॉरेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए सब है काम साम दाम दंड फेंद है वो अपनाई जा रहे हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बन जाता है, वो बन जाता है कि गोपाला स्वामी कमेटी। तो गोपाला स्वामी कमेटी है वो हमारे देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आई थी, ये हमें ध्यान रखना है। इसने सुझाव दिए थे, काफ़ी रिकमेंडेशन दी थी। तो इसमें मेनली अभी जो 20 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, इसमें 10 तो प्राइवेट है और 10 गवर्नमेंट है। ये भी गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है। नाम वगैरह नहीं पूछने वाली, तो वो हमारे लिए कुछ काम का है नहीं। बस ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाना है हमारे देश के जो इंस्टीट्यूट है उनको टॉप हायर लेवल में इंक्लूड करना है ऑल ओवर वर्ल्ड में रैंकिंग में। इसीलिए ये इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस है, ये स्टार्ट किया गया। तो ध्यान रखना कि एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है बेंगलुरु के बारे में, कि बेंगलुरु एक सिटी बन गई है इंडिया की पहली जिसने अपना लोगो है वो बनाया है। बट ये ध्यान रखना कि बेंगलुरु पूरे वर्ल्ड की पहली ऐसी सिटी नहीं है जिसने अपना खुद का लोगो बनाया है, क्योंकि इससे पहले मेलबोर्न, इसके साथ ही वॉशिंगटन, काफ़ी ऐसी सिटीज़ हैं जिन्होंने अपना खुद का लोगो बना रखा है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि इंडिया की तो पहली सिटी है बट ऑल ओवर वर्ल्ड की पहली सिटी नहीं है। और बेंगलुरु का जो लोगो है ना वो इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेज में है। ये ध्यान रखना कि भाई हिंदी वगैरह इसमें नहीं है, आधा इंग्लिश में और आधा कन्नड़ लैंग्वेज में। नेक्स्ट आर्टिकल है वो आया है NHIPC के बारे में, नेशनल हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल। ये सेल है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, जो कि
रोड मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जैसा कि हमने इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई इसका काम क्या है NHIPC का। तो थोड़ा नाम से समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल, मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने या इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन करने के लिए। तो सीधी सी बात क्या है कि हमारे देश में जो हाईवे है ना, उनको डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा आएगा क्या, वो आएगा इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए सेल है, बॉडी है, बनाई गई है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी क्या करेगी, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट हैं या डिफरेंट जो डिजाइन के साथ सहयोग करके काम करेगी, जैसे कि CII हुआ या फिक्की हुआ या फिर SOCHM हुआ, इन ग्रुप्स के साथ मिलकर वो काम करने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है मध्य प्रदेश दंड विधि विधेयक 2017 के बारे में। तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि मध्य प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने अगर किसी भी चाइल्ड की अगर रेप वगैरह होता है तो उस कंडीशन में जो भी आरोपी है, जो भी जिसने क्राइम किया है, उसको मृत्युदंड या फांसी की सजा हो सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में दंड विधि विधेयक 2017 में ये प्रावधान है वो क्या था। और इसके साथ ये प्रावधान था कि 12 वर्ष से अगर बिलो किसी का रेप वगैरह किया जाता है तो उसको फांसी की सजा या उम्र कैद वगैरह के वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है। सेकेंड स्टेट था वो था राजस्थान, जो कि अभी रिसेंटली करंट अफेयर में था। तो जनवरी में एक्चुअली राजस्थान इंक्लूड नहीं था, तो उस टाइम पे यही था। तो हमें थोड़ा दोनों चीज़ें यहाँ पे ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मिशन अंत्योदय के बारे में। मिशन अंत्योदय है वो डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि भाई हमारे देश के जो ग्राम पंचायत है ना, इसमें जो 50,000 ग्राम पंचायतों को भी इंक्लूड किया गया है, उनको रैंकिंग दी जाएगी। किस आधार पर उनको रैंकिंग, इस आधार पर दी जाएगी कि भाई वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से है, इसके साथ ही वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरीके के हैं, लोगों को रोजगार वगैरह कैसा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट उनको रैंकिंग वो दे रही है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट इसलिए कर रही है ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि भाई कौन सी ग्राम पंचायत में कहां कमी आ रही है, मतलब कौन सी ग्राम पंचायत कौन से एरिया में पिछड़ी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे फिर डेवलपमेंट है वो किया जा सके। क्योंकि देखो सभी ग्राम पंचायतों की सेम प्रॉब्लम नहीं है, किसी एरिया में पानी की प्रॉब्लम है, किसी में इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा इशू है, किसी में रोड का वगैरह प्रॉब्लम है, तो सभी एरिया की अलग अलग प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जहां जिस चीज की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग वहां पर स्टेप आ जाए, इसके लिए रैंकिंग प्रोग्राम है स्टार्ट किया गया मिशन अंत्योदय के तहत। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ग्रेवी मुक्त इंडिया बनाना है, और इसके साथ इसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो भी इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो निभा रही है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है, ये एक्चुअली यहाँ पे कोई काम की न्यूज़ नहीं है। देखते हैं अगला है, वो है बाल उत्सव के बारे में। हर साल आपको पता है कि बाल उत्सव है वो 14 नवंबर के आसपास है, 14 नवंबर को सॉरी मनाया जाता है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। बट इसी के साथ इंपॉर्टेंट वो आ जाता है, वो होता है इंटरनेशनल चाइल्ड राइट डे। इंटरनेशनल चाइल्ड राइट डे है वो 20 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखनी है। और देखो है क्या, जो बाल उत्सव है उसमें एक्चुअली इस बार था वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा एक हौसला 2017 प्रोग्राम, या एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक कैंपेन सा स्टार्ट किया गया था हौसला 2017। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हौसला 2017 किस रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली चाइल्ड जो चाइल्ड उत्सव है या बाल उत्सव है, फेस्टिवल है, उसको लेके ये था। अब इसमें यह प्रावधान कि जो हौसला 2017 था ना, इसको आयोजित किसने किया था, इसको आयोजित किया था वो क्या था, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा। अभी नेशनल जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है ना, NCPCR, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो हम इसकी तरफ फोकस करते हैं क्योंकि इस पर UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है और काफ़ी अहम आज के बाद न्यूज़ में रहता है, हर महीने कोई ना कोई इस पर न्यूज़ आती रहती है। जो NCPCR है ना, ये एक स्टेचुरी बॉडी है जिसका काम यह कि हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मतलब कहीं भी ऐसा कानून वगैरह नहीं बनना चाहिए जिस कानून की वजह से बच्चों को भी बच्चों के राइट्स का वायलेशन हो रहा है। मतलब बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये NCPCR वो काम करती है, बच्चों के अनुकूल ही राइट बनाने का प्रावधान करती है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए जिससे बच्चों का हरासमेंट हो सकता। तो इसलिए इस तरीके से काम करती है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो जो NK सिंह की अध्यक्षता में 15वां फाइनेंस कमीशन है, उसको गठन करने के लिए राष्ट्रपति ने अनुमति है वो दी है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अभी रिसेंटली चल रहा है 14वां फाइनेंस कमीशन, जो कि 2020 तक चलेगा, मार्च 2020 तक, 1 अप्रैल 2020 से अगला जो 15वां फाइनेंस कमीशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको एक ऑब्वियसली दिमाग में आई होगी कि भाई फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है। देखो फाइनेंस कमीशन है ना, ये एक्चुअली सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो टैक्स का पैसा होता है ना, उसको डिवाइड करने के लिए काम करता है कि भाई किस तरीके से स्टेट और सेंट्रल के बीच में पैसा और डिवाइड करना है, कौन से स्टेट को कितना वगैरह, वो सारा पैसा डिवाइड करने का काम किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो ये भी नया गठन किया गया 15वें का, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन थे, वो थे NK सिंह की अध्यक्षता में बनाए। तो UPSC पूछ सकते हैं कि NK सिंह कमीशन से किस रिलेटेड वगैरह है, ध्यान रखना कि भाई फाइनेंस कमीशन गठित किया गया उनकी अध्यक्षता में, इसलिए सारा माजरा है।
अगला जो आर्टिकल है वो है नक्सलवादी एरिया में जो होम मिनिस्ट्री है उसने एक्चुअली सोलर लाइट वितरण का प्रोग्राम है वो चलाया है। क्यों? क्योंकि देखो नक्सलवादी एरिया में क्या होता है, लाइट वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, और नक्सलवादी लोग उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं कि नक्सलवादी लोग देखो यही चाहते हैं कि उस वाले एरिया में डेवलपमेंट वगैरह, मतलब एक तरीके से ऐसे काम ना हो कि गवर्नमेंट की स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो जाए, क्योंकि नक्सलवादियों की आजकल नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, वो चाहते हैं कि लोगों को अगर लाइट वगैरह नहीं मिलेंगी तो वो भी नक्सलवादी के रास्ते पर आ जाएंगे और जिससे वो उनके जो ग्रुप वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट गवर्नमेंट ये चाह रही है कि नक्सलवादी एरिया में अगर सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि लोगों को इंटरनेट वगैरह भी मिलेगा, टेलीकॉम टावर वगैरह भी बनाए जाएंगे, जिसके साथ साथ लोगों को क्या है कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोग डेवलप हो पाएंगे, तो जिससे जो नक्सलवादी एरिया है ना वो डेवलप हो जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम स्टार्ट किया। बट ये ध्यान रखना कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा सोलर लाइट है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है आईएससी के बारे में, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। देखो इंटर स्टेट काउंसिल है ना वो प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल है वो प्रेसिडेंट के द्वारा गठित हो की जाती है, और यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हम आर्टिकल 363 के तहत गठित है वो की जाती है। काम क्या है इसका? इस बॉडी का काम ये है कि स्टेट और जो दोनों कोई भी स्टेट होता है ना उसके बीच में आपस में समन्वय कोऑर्डिनेशन है वो स्थापित करना, मतलब कोई भी दो स्टेटों के बीच में कुछ भी इश्यूज हो गए हो तो उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल वगैरह का निर्माण किया जाता है। इसके चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, और एक होती है इंटर स्टेट काउंसिलिंग की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी होती है ना इसका काम ये होता है कि भाई जो भी इंटर स्टेट काउंसिल डिसीजन ले रही है ना उसको एक्चुअली मॉनिटर करना, उनका ध्यान में रखना कि हाँ भाई किस तरीके से वगैरह करनी है, मतलब एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है वो स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा किया जाता है, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं यहाँ पे होम मिनिस्टर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से माइंड में सेट कर लेनी है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसके चेयरमैन तो होते हैं होम मिनिस्टर साहब, और इंटर स्टेट काउंसिल के चेयर मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री साहब। ये चीज़ बस दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना, यहाँ पे यूपीएससी घुमा सकती है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है सोशल ऑडिट इन मेघालय। बात ऐसी है देखो कि मेघालय गवर्नमेंट है वो इंडिया की पहली ऐसी स्टेट बन गई है, पहली ऐसी स्टेट गवर्नमेंट बन गई है जिसने क्या है कि सोशल ऑडिट का प्रोग्राम वो स्टार्ट किया है। सोशल ऑडिट क्या होता है? देखो नॉर्मली सोशल जो नॉर्मली जो भी ऑडिट वगैरह होती है ना, जैसे आपने देखा होगा कि बैंकों में ऑडिट वगैरह चल रही है तो जो सीए वगैरह है उनको एक्चुअली आरबीआई भेजता है कि भैया आप ऑडिट वगैरह कीजिए ताकि पता चले कि बैंकों की हालत वगैरह कैसी है। तो उसी तरीके से जो ऑडिट वगैरह काम है ना वो एक्चुअली सिविल सोसाइटी के द्वारा किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। मतलब पहले सिविल सोसाइटी ही करती थी, बट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट खुद करवा रही है कि भाई लोगों से कि भाई हाँ हमने ये स्कीम चलाई है, आप आके बताइए कि आपको इस स्कीम का कितना फायदा हो रहा है, क्या क्या इसमें कमियां वगैरह है। तो इससे होगा क्या कि लोग आके बताएंगे कि देखो भाई स्कीम तो आपने चालू की है और हमें तो केवल ये फैसिलिटीज मिल रही है, तो जो भी पारदर्शिता है वो सामने आ जाएगी, और जो ग्राउंड रियलिटी है ना कि भाई गवर्नमेंट ने स्कीम में प्रावधान तो क्या क्या था और वो सारी बेनिफिट वो लोगों को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कितने बेनिफिट लोगों को मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख लो कि एग्जाम्पल ले लो कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई कि भाई सभी लोगों को 10-10 किलो गेहूं मिलेंगे, बट पता चला कि ग्राउंड लेवल पर लोगों को 2-2 किलो गेहूँ मिल रहा है, तो लोग आके बताएंगे सोशल ऑडिट के तहत कि हाँ भाई देखो हमने हमें तो 2-2 किलो गेहूँ मिल रहा है। तो एक तरह से जो रियलिटी वो सामने आ गई ना, तो ये हो गया एक तरीके से सोशल ऑडिट का कि लोग हैं वो आपस में आके सभी बताएंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट खुद एक तरह से ऑडिट वो करवा रही है। तो ये ध्यान रखना कि मेघालय गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसे स्टार्ट किया है। अगला जो आर्टिकल हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2017 के बारे में। देखो हमारे देश में जो कंज्यूमर है जो उपभोक्ता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले का जो एक्ट था वो था 1986, बट 1986 का उपभोक्ता है काफ़ी पुराना हो गया है, आज के टाइम पे वो रिलेवेंट नहीं है क्योंकि आज के टाइम पे डिमांड सिचुएशन सब कुछ बदल चुका है, तो नई चीज़ों की जरूरत होती है। तो इसीलिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2017 वो लाया गया, अभी तक यह पेंडिंग में है। बस आप ये देख लेना कि इसमें क्या फोकस किया गया, इसमें ये चीज़ पर फोकस किया गया है कि भाई कंज्यूमर के जो राइट्स हैं ना उनको एक्चुअली फोकस किया जाएगा कि भाई उसको ज़्यादा फायदा मिले, इसके साथ ही अगर कोई भी कंप्लेन है ना उसको जल्द से जल्द रिकवर किया जाएगा या जल्द से जल्द उसको सोल्व किया जाएगा ताकि ज़्यादा टाइम वगैरह ना लगे और कस्टमर को ज़्यादा वेट हो ना करना पड़े। इसके साथ ही कई बार क्या है कि गलत प्रचार किया जाता है, जैसे कि एक बार आरोप इस बार आया था कि होलेक्स के डिब्बे पे गेहूं का फोटो लगा हुआ था बट कि उसमें डिब्बे में गेहूं के एक्चुअली जो थे ना अंश वो नहीं पाए गए थे, मतलब आपने प्रचार में गलत दे रखा कि भाई इसमें गेहूं पाया जाता है जबकि उसमें गेहूं नहीं था। तो इस तरीके की चीज़ों पर लगाम लगाने में काफ़ी फायदा मिलेगा ताकि लोगों को सच पता रहेगा कि हाँ भाई इस चीज़ में है क्या, क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि दिखा देते हैं कि भाई इसमें ये है बट उसमें होता वैसा कुछ नहीं है। इसके साथ ही सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बनाने की बात है ताकि कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनको और ज्यादा प्रोटेक्ट हो किया जा सके, तो अभी तो ये एक्टिव नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आरएनआई के बाद में, रजिस्ट्रार्स ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया के बारे में। यह एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि 1956 में मतलब आज़ादी के बाद बनाई गई थी। काम क्या है इसका? काम इसका यह कि जो भी हमारे देश में पब्लिकेशन होते हैं ना या जो भी न्यूज़पेपर वगैरह या कोई बुक्स वगैरह कुछ भी से पब्लिकेशन वगैरह हुए उन सबको एक्चुअली रजिस्टर करना।
तो ये हमें ध्यान रखना है, जो कि आते हैं ये रिपोर्ट करती है वो करती है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। ये ध्यान रखना है कि जो आरएनआई है ना, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ फॉर इंडिया, ये 1956 में बनाई गई थी, स्टेचुरी बॉडी है ये। एक्चुअली अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करती है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को। ये हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, अच्छे से याद रख लेना काम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी पब्लिकेशन होते हैं इंडिया के, उनको रजिस्टर करने का काम है, उनके सारी डिटेल इनके पास रहती है कि भाई ये इतने पब्लिकेशन वगैरह हैं, वो सब है। अगला जो आर्टिकल है वो है ओपन प्रिजन एंड क्लोज प्रिजन के बारे में। देखो जो कैदी होते हैं ना, वो दो तरीके के नॉर्मली होते हैं, एक तो जैसे कि किसी ने नॉर्मल क्राइम किया हो, एक ऐसा हो कि भाई इसने बहुत बड़े क्राइम करके बहुत बहुत खतरनाक अपराधी हो। तो एक्चुअली एक तो खुले कैदी होते हैं और एक होते हैं क्लोज। खुले कैदी तो वो होते हैं जिनको एक्चुअली टाइम, मतलब उनको एक शहर में वगैरह में, जैसे कहीं भी जेल है तो उनको आसपास घूमने की टाइम दिया जाता है कि भाई आप थोड़ा बहुत शहर में सिटी विटी में घूम घूम के भी आ सकते हो, उनको थोड़ी लिमिटेशन, उनके लिए लिमिट वगैरह रिस्ट्रिक्शन काफ़ी कम होती हैं। जबकि क्लोज कैदी वो होते हैं जिनको एक्चुअली 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है, चारों तरफ सलाखें वगैरह रहती है, ये ध्यान रखना है। बट अभी गवर्नमेंट ये कर रही है कि देखो जो ओपन प्रिजंस है ना, वो एक्चुअली जल्दी रिकवर, मतलब वो जल्दी है ना सुधर जाते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि उनकी तरफ फोकस किया जाए, क्योंकि जो क्लोज प्रिजंस होते हैं ना वो काफी खतरनाक अपराधी होते हैं, तो इनको अलग अलग रखा जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो क्लोज जो मतलब होते हैं ना, ये खतरनाक कैदी और जो नॉर्मल कैदी होते हैं इनको एक साथ रखा जाता है, जिसकी कंडीशन में होता क्या है कि जो खतरनाक कैदी होते हैं वो नॉर्मल कैदियों को काफी परेशान करते हैं और मतलब उन पर वॉयलेशन वगैरह का काफी चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने प्रावधान भी सोचा है कि भाई जो ओपन प्रिजंस है, जो नॉर्मल कम वाले कैदी होते हैं ना जिनको खुले में रखा जा सकता है, उनको अलग रखा जाए, क्लोज वालों को अलग रखा जाए, और इनको एक्चुअली सुधारने का थोड़ा मौका वो दिया जा सके ताकि ये ज्यादा ठीक हो सके। तो ध्यान रखना कि ओपन प्रिजन और क्लोज प्रिजन का मतलब होता क्या है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के बारे में। इसका सेक्शन 33 का जो 7वां पार्ट है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि हमारे देश में कोई भी जो कैंडिडेट है ना, वो मैक्सिमम 2 ही सीटों से चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी साहब ने लोकसभा इलेक्शन में 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक तो लड़ा था यूपी से और दूसरा लड़ा था आपको पता ही है गुजरात से। तो अभी इसमें गवर्नमेंट ये बात करे कि भाई इसको चेंजेस किया जाए। क्यों चेंजेस किया जाए? क्योंकि देखो एक कैंडिडेट है, अगर वो इलेक्शन लड़ रहा है और दोनों जगह से जीत रहा है, इसका मतलब वो एक ही जगह तो सीट रह पाएगी, तो एक सीट उसको खाली करनी पड़ेगी। इसका मतलब वहाँ पर दोबारा इलेक्शन करवाने होंगे। अगर वहाँ पर दोबारा इलेक्शन करवा जा रहा है तो इसका मतलब साफ साफ क्या होगा कि गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। ये एक्चुअली 1990 में प्रावधान किया गया था। 1990 से पहले तो ये प्रावधान था कि एक कैंडिडेट वो कितनी भी सीटों से इलेक्शन लड़ सकता था। तो अभी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई एक कैंडिडेट है ना, उसको एक ही सीट से इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए, बार अलग अलग सीटों से नहीं, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का खर्चा वो बढ़ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये एक कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की गई थी कि भाई जो भारतीय मूल के जो भी लोग हैं ना, जो कि फॉरेन कंट्रीज में, वहाँ की कंट्रीज में अगर कोई एमपी है या एमएलए सांसद वगैरह बने हुए हैं, उनको एक्चुअली इंडिया में इन्वाइट किया गया था कि भाई आप दूसरे, जैसे कनाडा में इंडिया के मूल के कोई भी वहाँ पे एमपी एमएलए हैं, वो इंडिया आएंगे, फिर वो इंडिया के, इंडिया में आके अपने जो भी बेस्ट एक्सपीरियंस है, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेज वगैरह है, या अपना जो भी एक्सपीरियंस है किसी भी टाइप का, वो नॉलेज वगैरह वो यहाँ पे शेयर करेंगे। तो इससे इंडिया को फायदा होगा कि इंडिया है वो अपने आप को डेवलप कर पाएगा, इंडिया अपने आप को असर्ट कर पाएगा और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह मिलेगा। तो इसलिए पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई थी ताकि भारतीय मूल के जो भी सांसद है फॉरेन कंट्रीज में, वो इंडिया आ सकें और अपना नॉलेज है वो शेयर कर सकें, ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही बात यह है कि भारत की प्रगति के लिए गवर्नमेंट ने एक एजेंडा लेके आई थी नीति आयोग के द्वारा, तो ये ध्यान रखना है। एक्शन एजेंडा 2020 का यूपीएससी पूछ सकती है, और किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा ही एक्शन एजेंडा 2020 है वो लाया गया है, ताकि किसके द्वारा, इसमें भी प्रावधान किया कि भाई प्रगति किस तरीके से हमें करनी है, इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो किसके द्वारा किया गया स्टार्ट? ये किया गया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है मलिमत कमेटी के बारे में। तो मलिमत कमेटी है वो एक्चुअली हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, उसमें रिफॉर्म लाने के लिए है, और होम मिनिस्ट्री ने इसे 2002 में इसे गठित हुआ किया था। तो ये ध्यान रखना कि मलिमत कमेटी किससे रिलेटेड है। चलो पुट्टा स्वामी का जो केस था वो किससे रिलेटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो कि देखो क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, वो करंट अफेयर के बेसिस पे ही है, इससे आपका रिविजन हो जाएगा। पुट्टा स्वामी की देखो भी एक जजमेंट आई थी, काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो नहीं पता तो बहुत गलत बात है, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखते हैं मलिमत कमेटी की तरफ। मलिमत कमेटी होम मिनिस्ट्री इसलिए लेके आई थी क्योंकि हमारे देश में काफ़ी सारे केस है ना वो पेंडिंग पड़े हैं, सही न्याय वगैरह नहीं मिलता, तो इसलिए लेके आई थी ताकि जो लंबे केस है ना उनकी सुनवाई हो सके, लोगों को सही जो न्याय है वो मिल सके, जस्टिस वगैरह। इसके साथ ही जो फर्जी केसेस होते हैं ना उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो महाभियोग है उसको काफ़ी जगह जाए, क्योंकि देखो अभी हमारे देश में जो होते हैं ना एक्चुअली जो मतलब आप सकते हो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह, इनको एक्चुअली आपको पता है कि जब भी इन पे महाभियोग लाने की बात होती है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए उसको थोड़ी इजी करने की प्रोसीजर है ताकि उन पे महाभियोग वगैरह लाया जा सके और ये चीज़ पॉसिबल हो सके, क्योंकि आज के टाइम पे एक तरीके से नामुमकिन सा हो गए कि किसी भी जज वगैरह पे महाभियोग वो लेके आ जा सके। इसके साथ ही बात यह है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ये चाह रही है कि थोड़े जो रूल है उनको भी डायल्यूट वगैरह किया जा सके, तो उसको लेकर मलिमत कमेटी ध्यान रखना कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड है, बस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा।
इसके बाद में अगला जो आर्टिकल आता है वो यहाँ पे आता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में, एनआरसी के बारे में। एनआरसी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि देखो अभी इसकी एनआरसी का जो सेकंड फर्स्ट रिपोर्ट थी वो आई थी। है क्या एनआरसी वो देखते हैं। एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स मतलब इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनका एक रजिस्टर जहाँ पे सारा डाटा उनका रहता है, ऐसे आप समझ गए होंगे मैंने सेट इसका यहाँ पे। अब बात ऐसी है 1985 में क्या होता, असम अकॉर्ड हुआ था, ये हमें आपको जाना करना कि 1985 में असम अकॉर्ड हुआ था। अब असम अकॉर्ड में ये प्रावधान किया गया था कि देखो जो आपको पता है कि उस टाइम पे एक्चुअली बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971-72 के टाइम पे, तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो हुआ क्या था उस टाइम पे काफ़ी बांग्लादेश में क्राइसिस आ गए थे, तो कुछ लोग या बहुत भारी मात्रा में जो लोग थे ना वो एक्चुअली बांग्लादेश से धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए उधर आसाम की तरफ बढ़ने लग गए थे। मतलब आसाम में एक्चुअली रिफ्यूजीज की समस्या वो बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वहाँ पे क्या गया नेशनल रजिस्टर एनआरसी वो बनाया गया था ताकि वहाँ पे डेमोग्राफी का इशू आ गया था, क्योंकि लोग आरोप लगा रहे थे वहाँ की गवर्नमेंट कि भाई देखो यहाँ पे जो रिफ्यूजीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ की जो डेमोग्राफी वो चेंज हो रही है। ये 1979 की बात है कि वहाँ पे डेमोग्राफी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लग गई थी, इसकी वजह से असम अकॉर्ड हुआ और उसमें जनगणना वगैरह वहाँ पे किया गया कि वहाँ पे इतने वगैरह लोग हैं। और असम अकॉर्ड में ये प्रावधान किया गया था कि 1971 से पहले जो भी लोग आसाम आए थे ना बाहर से कहीं से भी वो तो चलो एक्चुअली असम के नागरिक हैं वो रह जाएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद जो भी लोग आ रहे हैं ना उनको एक्चुअली नागरिक वगैरह नहीं दे जाएगा, उनको वहाँ पे कोई भी राइट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ये सारा पॉइंट्स वहाँ पे था, उनको वापस जाना होगा। तो ये एक्चुअली जो नेशनल रजिस्टर जो सिटीजन है ये एक्चुअली 1951 की जनगणना के बाद आया था और अभी गवर्नमेंट इसे अपडेट करना चाहती है ताकि पता चले कि भाई आसाम की डेमोग्राफी अभी कितना चेंज हो गई है, क्योंकि उस टाइम के डाटा को और आज के डाटा को कंपेयर किया जाएगा कि भाई वहाँ पे समस्या बढ़ रही है या उस पर लगाम लगी नहीं लगी। तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना कि एनआरसी किससे रिलेटेड है, असम अकॉर्ड क्या है, वो हमने यहाँ पे देख लिया है। अगला जो आर्टिकल है वो है रणजीत रॉय चौधरी कमेटी के बारे में। रणजीत रॉय चौधरी कमेटी है वो एक्चुअली मेडिकल काउंसिल से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है। इसमें ये प्रावधान किया गया इस कमेटी ने कि भाई जो हमारे देश में मेडिकल काउंसिल है ना वो जो कि आपको पता है कि मेडिकल जो एजुकेशन है या मेडिकल इंस्टीट्यूट वगैरह को रेगुलेट है वो करती है, तो मेडिकल काउंसिल को एक्चुअली चेंज करने की बात है कि इसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन है वो बनाया जा सके। और नेशनल मेडिकल कमीशन एक्चुअली लेटेस्ट होगा, इसमें नए तरीके की जो सारा सिस्टम होगा कोई कमियाँ वगैरह नहीं, क्योंकि देखो मेडिकल काउंसिल पर काफ़ी आरोप लगे थे धांधलेबाजी का भी, हमने भी देखा था कि काफी केसेस लग रहे थे कि भाई ये प्राइवेट कॉलेजों को थोड़ी पैसे वैसे लेके उनको थोड़ी छूट देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजों के साथ सख्त रवैया अपना ETC अपनाते हैं, तो इसीलिए बनाई गई है। अब जो नेशनल मेडिकल कमीशन है ना इसमें एक्चुअली 25 सदस्य होंगे जो कि रेगुलेट करेंगे और इसमें एक के साथ एक सुपरवाइजरी बॉडी भी होगी और इसमें एक्चुअली मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल वो बनाई जाएगी, और मेडिकल एडवाइजरी जो काउंसिल है ना उसमें एक्चुअली 64 सदस्य होंगे और 64 जो सदस्य है ना वो सभी स्टेट से होंगे, तो इसमें क्या होगा कि सभी स्टेट के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और मेडिकल काउंसिल जो कमीशन है उसमें सभी को मतलब सभी स्टेट के लोग हैं वो रहेंगे। ये इसको लेकर कुछ न्यूज़ थी। अगला जो आर्टिकल हुआ है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्या है, देखो सबसे पहली बात यह कि हमारे संविधान में इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में कहीं मेंशन नहीं है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। कंटेक्स्ट था वो जैसा कि मैंने आपको पहले बहुत बहुत डिस्कस कर चुके हैं, कंटेक्स्ट था वो था दिल्ली की आम आदमी पार्टी को लेकर कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी थी उन्होंने 21 विधायकों तो 21 जो MLA थे ना उनको एक्चुअली पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है वो अपॉइंट कर दिया था, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आती है इसलिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, ये सारा माजरा था। अब किस तरीके से अयोग्य घोषित किया गया था ये थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनको अयोग्य घोषित किया गया था, उसकी प्रक्रिया होती है कि इलेक्शन कमीशन है ना वो सुझाव देता है और उसके बाद राष्ट्रपति को भेजता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा केस है अभी देखिए, और जो इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति को सुझाव देते हैं ना वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है, मतलब बाइंडिंग होता है, राष्ट्रपति को वो डिसीजन मानना होता है और उसके बाद उनको इस तरीके से घोषणा के तहत उनको हटाया जाता है, ये होती है मेनली प्रक्रिया। आर्टिकल 103 के तहत ये चीज़ क्लियर रखी गई है कि भाई कौन किस तरीके से अयोग्य घोषित किया जा सकता है किसी को भी जो MP और MLA को है। अब एक ये देखना कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना जो सांसद होते हैं उनको एक्चुअली आर्टिकल 102 का जो फर्स्ट है उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है, और जो MLA होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो असेंबली के उनको एक्चुअली आर्टिकल 191 के तहत उनको अयोग्य घोषित किया जाता है। और दिल्ली के लिए अलग से एक्ट बनाया गया, वो बनाया गया नेशनल कैपिटल टेरेटरी एक्ट 1991 दिल्ली के लिए, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और दिल्ली के जो मैक्सिमम पावर है वो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है क्योंकि दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, तो वो उसको लेके कुछ बेसिक पॉइंट्स वगैरह थे तो जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती हैं, और ये हमारे लक्ष्मीकांत की बुक में क्लियर मेंशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जरूर जरूर बताइएगा, UPSC बहुत बार पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है ऑरेंज कलर के पासपोर्ट को लेके। देखो मुद्दा यह था कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वही पासपोर्ट वगैरह को रेगुलेट करती है, पहली बात तो ये देख लेना। इसके बाद में बात ये आई थी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने एक ये स्टार्ट अपने एक प्रोग्राम सा मतलब एक तरीके से स्टार्ट किया था कैंपेन सा कि भाई हमारे देश के जो भी एक तरीके लोग हैं जो कि फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनका ये बात क्या कि वहाँ पे एक्सप्लोटेशन हो जाता है, उनका शोषण वगैरह किया जाता है। मतलब जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनको क्लियरेंस वगैरह में काफ़ी दिक्कत आती है, मतलब इंडिया के जो लोग वहाँ पे जॉब वगैरह मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो उनको एक्चुअली क्या कि इमिग्रेशन क्लियरेंस वगैरह नहीं हो पाता है, उनको इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और वहाँ पर जो दूतावास वगैरह होते हैं वो भी उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई कौन लोग कितने पढ़े लिखे हैं, टीसी वगैरह मतलब एक तरीके से पिछड़े हुए हैं। तो इसके लिए जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने स्टार्ट किया कि भाई उनको अलग कलर के पासपोर्ट दिए जाएंगे ताकि उनको एक्चुअली दूर से आइडेंटिफाई कर सके हाँ कि भाई ये लोग हैं इनको इमिग्रेशन क्लियरेंस वगैरह कराना है या इनका शोषण वगैरह हो सकता है तो इनके लिए कुछ वहाँ पे जो स्टेप वगैरह उठाए जा सकें। बट इसका मुद्दा ये उठा था कि भाई इससे तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को डिवाइड किया जा रहा है, लोग समझ दूर से समझेंगे अच्छा इसके पास तो इस कलर का पास ऑरेंज कलर का पासपोर्ट है मतलब ये तो आदमी है इसके पढ़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है टी सी टी से, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को डिवाइड करेगा। हमारे देश में तीन तरह के पासपोर्ट होते हैं कलर के, ये देख लेना कौन कौन से होते हैं। पहला होता है एक तो होता है जो रेगुलर लोगों के लिए है, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है, और जो ऑफिशियल होते हैं इंडिया के जो ऑफिशियल अधिकारी करते हैं उनके लिए व्हाइट कलर का पासपोर्ट होता है, और जो एक्चुअली इंडिया के डिप्लोमेट्स होते हैं उनको इनके लिए एक्चुअली पर्पल कलर का पासपोर्ट होता है। तो ये ध्यान रखना कि इंडिया में तीन कलर के पासपोर्ट वैलिड हैं, जो जो कलर किस किस के लिए वो हमने देख लिया। अगला जो आर्टिकल है वो है माटुंगा रेलवे स्टेशन के बारे में। माटुंगा रेलवे स्टेशन है वो महाराष्ट्र में आता है और इसने लिम्का बुक ऑफ जो रिसर्च बुक है रिकॉर्ड है बुक इसमें अपना नाम दर्ज करवाया। क्यों? क्योंकि माटुंगा रेलवे स्टेशन वो इंडिया का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसने वुमेन उसमें जो पूरा स्टाफ है वो वुमेन है, मतलब वहाँ पे वर्कर वगैरह सफाई कर्मी सब जो लोग हैं वो वहाँ पे वुमेन ही हैं, इसलिए ध्यान रखना। सेकंड जो था वो था एक्चुअली राजस्थान का गांधीनगर रेलवे स्टेशन। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एस्फा के बारे में, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के लेके। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है ये एक्ट, ये हमें ध्यान रखना है। काम क्या होता है इस एस्पा का? एस्पा का काम ही होता है कि कोई भी संदिग्ध काम हो रहा हो कहीं भी, कोई भी हिंसा वगैरह रोकनी हो तो उसके लिए एस्पा एक्ट वहाँ पे लागू किया जाता है, और इसमें कुछ उनको छूट वगैरह दी जाती है आर्मी के लोगों को ताकि वो वहाँ के लोगों को एक्चुअली मतलब पकड़ वगैरह सके उनको संदिग्धता के आधार पर शक वगैरह के आधार पर। और ये अभी कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है एस्पा ये ध्यान रखना, ये यूपीएससी पूछ सकती है। एक तो आसाम में लगा हुआ है, एक नागालैंड में लगा हुआ है, एक मणिपुर में कुछ लिमिटेड एरिया में ही है, और इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश में भी एस्पा है वो लगा हुआ है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला चलते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है नेशनल वोटर डे के बारे में। नेशनल वोटर डे वो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी वो थी एसेसेबल इलेक्शन, दिव्यांग को सुटेबल इलेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि देखो हमारे देश में क्या होता है इलेक्शन जब भी होता है तो दिव्यांग लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए इलेक्शन में जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपने वोट राइट का यूज़ करने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बार को जो दिव्यांग लोग हैं उनको इलेक्शन के अकॉर्डिंग माहौल सुटेबल करने के लिए इस प्रोग्राम स्टार्ट किया था इलेक्शन वोटर डे, और एक मैगजीन निकाली थी। मैगजीन कहती वॉइस मैगजीन, ये यूपीएससी पूछ सकते हैं कि वॉइस मैगजीन किससे रिलेटेड है। जो वॉइस मैगजीन थी ना वो एक्चुअली बाई एनुअल मैगजीन है जो कि इलेक्शन जो ऑफिसर्स होते हैं ना इंडिया के उनके एक्सपीरियंस को शेयर करेगी, हाँ भाई इनका एक्सेस एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे देश में लोगों को जागरूक किया जाएगा कि हाँ भाई आप भी इलेक्शन में चुनाव वोट का अधिकार है अपने उसको यूज करें। ये वॉइस मैगजीन इसलिए स्टार्ट की गई है। अगला जो आर्टिकल है वो है महाराष्ट्र के बारे में। ये आप फैक्ट के रूप में याद रख लेना कि महाराष्ट्र इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने अनाथ जो लोग होते हैं ना उनके लिए 1% रिजर्वेशन है वो आरक्षित किया है। तो ये ध्यान रखना कि अनाथ लोगों के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अलग प्रावधान किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है ई संसद और ई विधान के बारे में। ई संसद और ई विधान है ये एक्चुअली नाम से समझ गए हो थोड़े कि भाई डिजिटल से रिलेटेड है, मतलब संसद पार्लियामेंट का जो भी काम है वो डिजिटल होना चाहिए, पेपर वर्क को कम करना है। ई विधान का मतलब विधानसभा के जो भी काम है उसको भी एक्चुअली डिजिटल करना है ताकि पेपर वर्क कम किया जा सके। तो मिशन मोड प्रोजेक्ट चलाया था गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया के तहत, जो कि चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा, जो कि इसके नोडल एजेंसी भी है उसके द्वारा इसे इंप्लीमेंट हो किया गया था। ये ध्यान रखना मिनिस्ट्री यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहीं ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वगैरह टिपका दो एग्जाम में। काम से मैंने बताया कि जो भी काम होते हैं ना सारे दिन भर के जितने भी काम होते हैं उसको सारे को डिजिटल करना, प्रोसेस को इजी करना और क्वालिटी और इन्स को भी इंप्रूव करने के लिए इसकी स्टार्टिंग हो की गई थी। तो ये थी हमारी कंप्लीट डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और आप एक बात ये बताइए कि आपको इन वीडियो से कितना फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप इसके बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चले कि भाई वीडियो का लोगों को बेनिफिट हो रहा है, आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे वीडियो में और ज़्यादा क्वालिटी वो इंप्रूव की जाएगी।